हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ नदी, रिवर, डैम, हर जगह में आप फिशिंग करने का बाइट। ठीक है, मैं बाइट बना के आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही कारगर बाइट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लगेगा इसमें। ठीक है, तो हमको फर्स्ट टाइम ले लेना है गेहूं का आटा। आप आधा किलो बाइट बनाएंगे, 1 किलो बनाएंगे, 250 ग्राम चावल का आटा ले लेंगे और 250 ग्राम गेहूं का आटा ले लेंगे। ये गेहूं का आटा है, ठीक है, इसमें हम 250 ग्राम चावल का आटा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूँ, आप 250 ग्राम ले लेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सूखा मछली। सूखा मछली में आपका डेरवा मछली आता है, पोठिया मछली सूखा मिलता है मार्केट में, झींगा मछली, चारापोना मछली बहुत प्रकार के मिलता है, चलुआ मछली, कोई सा भी सूखा मछली बाज़ार से ले लेंगे और इसको कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ठीक है, और इसमें से 2 चम्मच 2 3 चम्मच डाल लेंगे हम आधा किलो आटा में। ठीक है, 3 चम्मच डालेंगे, मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको डाल के। ठीक है, डाल लेंगे। ये नदी के लिए, रिवर के लिए, डैम के लिए, हर जगह के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें आपको कैट फिश भी लगेगा, ठीक है, कैट फिश भी लगने का बहुत चांस है। और ये चुनवा मछली आता है नदी में, वो तो एकदम 100% खाता है वो, इसमें बहुत उसका फेवरेट है। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर दोबारा नहीं कीजिए, दोबारा करते हैं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो पहुंचता रहेगा। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, आप ये मत देखिए दोस्तों कि मेरे पास नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, ये मत देखिए आप दोस्तों, चैनल नया है सब्सक्राइबर कम है उससे कोई मुश्किल नहीं है। आपको सही चीज़ कौन बता रहा है आप वो देखिए, आप वो फॉलो कीजिए, जो तो सही चीज़ कौन बता रहा है। 15 साल 20 साल का दोस्तों हमको एक्सपीरियंस है, हम शुरू से, मेरा एक शौक़ है, मेरे को इसमें पूरा नॉलेज है हर चीज़ का। आपको मैं जो भी बताता हूँ ये सब फिशिंग मैं खुद का किया हुआ हूँ, ये मैं किसी का देख कर नहीं देख बताता हूँ आपको। और आप पहले फिशिंग कीजिए, आप जितना भी भाई हम फिशिंग किया, कमेंट किया, पूछा कुछ भी, आप कमेंट देख सकते हैं, हम सबको जवाब दिया है। हर आदमी नहीं ना बता सकता है बैट के बारे में, कोई हर आदमी नहीं बता सकता है जिसको मालूम है फिशिंग के बारे में, मछली कैसे पकड़ना है, क्या इस्तेमाल करना है, वही बताएगा आपको फिशिंग के बारे में। कमेंट देख सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ये सब टेक्निक है दोस्तों, ये बहुत मेहनत लगता है, बहुत इसमें दिमाग है इतना। बहुत ही मेहनत से बनता है ये वीडियो। थोड़ा हम इसमें कलर ऐड कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपका बाइट अगर गीला हो जाता है दोस्तों तो आप थोड़ा चावल का या गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें घबराने का बात नहीं है, मछली ही खाना है, इसमें कौन सा कुछ होने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा आप पानी में, मैं डालना भूल गया, पानी में मिक्स कर लेंगे कलर, फिर उसी पानी से गूंदेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से एक बराबर कलर हो जाएगा आपको, टाइट ही गूंदना है। ठीक है, ज़्यादा लूज नहीं रखना है। ये सब टेक्निक ट्रिक दोस्तों आपको कोई हर आदमी नहीं बताने वाला है। अच्छा अच्छा शिकारी भी नहीं बताता है, मालूम है क्यों नहीं बताता है? कि आप शिकार करने लगोगे उसको पीछे छोड़ दोगे, कोई नहीं बताता है। हम लोग भी फिशिंग करते हैं, किसी भी कुछ भी पूछो नहीं बताएगा वो लोग, हम लोग को नहीं बताएगा। हम लोग क्या है, हम लोग का बाप दादा सब शिकार किया है, पुराना हम लोग का शिकारी है, हम लोग को तो अपना सिखा हुआ है, कोई दूसरे आदमी सिखाने वाला थोड़ी ना। आपको मैं जितना बताता हूँ कोई थोड़ी ना बताता है, जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ आपको हर आदमी नहीं बताएगा ये सब चीज़।
अब वो मछली का वो पाउडर बना के डालेंगे ना, तो इसमें स्मेल आता है, उसमें बहुत स्मेल आता है, जैसे पानी में जाएगा एकदम तुरंत मच्छी आएगा। डैम नदी रिवर नहर तालाब कहीं भी फिशिंग कर सकते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को नया मत देखिए, सब्सक्राइबर मत देखिए, आप फिशिंग करने का जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आप वो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। नहीं अगर होता है तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिश नहीं लगा कोई रिप्लाई दीजिए हमको, आप किस स्टेट से हैं ये बताइए हमको, आपका लाल मिट्टी है या काला मिट्टी है पानी में जहाँ पे शिकार कर रहे हैं, और जहाँ पे आप हुक फेंक रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे फेंकिए वो पता हो कि वहाँ पे साफ पानी है, वहाँ पे कचरा नहीं है ज़मीन पे। ठीक है, जहाँ पे साफ रहेगा वहाँ पे मच्छी बैठता है और खाता है, कचरे में फेंक देंगे वो उधर ही जाकर उलझ जाएगा, कैसे पता चलेगा मछली को। तो इसको हम अभी थोड़ा एक काम बाकी है, हम इसको प्लास्टिक में डाल के इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको हम पानी में 3 मिनट 3-4 मिनट इसको उबाल लेंगे। सही है दोस्तों, मैं अभी आपको उबाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पानी है इसमें डाल दिया, इसको उबालने के लिए छोड़ दिया है, इसको ढक देंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, देखिए मैं उबाल लिया हूँ, उबलते हुए 1 लीटर पानी में रख देंगे पतीले के अंदर। ठीक है, और इसको प्लास्टिक में डाल के उबाल लेना है 3-4 मिनट तक। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा रहा हूँ, तो आप इधर नहीं खोलेंगे, आप जाके स्पॉट से खोलेंगे। ठीक है, देखिए एकदम जब ये होगा तो टाइट हो जाएगा, और आपको हुक में लगाना है। चार हुक ले लेना आपको। ठीक है, बढ़िया से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, आप मिक्स कर लीजिएगा जहाँ पे स्पॉट पे जाइएगा। ठीक है, आपको मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही कारगर बैट है, अब इस्तेमाल कीजिए, विश्वास पे दोस्तों दुनिया कायम है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सोच रहे फेंक है ये है वो, आप पहले फिशिंग तो कीजिए, फिशिंग कीजिए फिर उसके बाद रिप्लाई दीजिए हमको। अगर फिश नहीं लगा हो तो बोलिए हम कहाँ सर आप वीडियो बताएं भाईजान फिश नहीं लगा, कैसा बैट बताया, आप आइएगा गुस्से में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो पुराने लोग हैं नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग कर लिए, आप लोग लाइक कीजिए बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चार हुक्का ही लेना है, ज़्यादा गुच्छा नहीं लेना, 6 हुक्का। ठीक है, 6 हुक्के में कोई फायदा नहीं है, पूरा भर के लगाएंगे हम लोग इसको। ये मछली का जो पाउडर है वो मिक्स करना है आपको। ठीक है ना, बताया है मैं, और इसी मछली के पाउडर में से ये देखिए दोस्तों, मैं ये सोयाबीन के तेल में मिक्स कर लिया है। ठीक है, अभी 50 ग्राम तेल रख लीजिए किसी डब्बे में, रखिए उसको बढ़िया से रख दीजिए, 2 दिन धूप में रख दीजिए, और फिर उसके बाद में आपको ये क्या करना है, वीडियो स्किप कर करके नहीं देखिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इसमें इसी तेल में ये जो मछली का पाउडर मिक्स किया है ना तेल में, रिफाइन तेल में, करू तेल में नहीं डालिएगा, सरसों तेल में नहीं डालिएगा, रिफाइन में वाली ऑयल में किसी में डालिए। ठीक है, और इसको आप नदी में जब फेंकेंगे, कहीं पर भी फेंकेंगे, तालाब में नदी में, जब इसका स्मेल और तेल पानी में जाएगा उसके मछली खींचा हुआ चला आएगा, फिर हुक हो जाएगा मछली। ठीक है, अब इसको 2 दिन धूप में रख दीजिएगा तेल में मिक्स करके, 50 ग्राम 100 ग्राम तेल में 2 चम्मच रख दीजिएगा। ठीक है, जब पूरा स्मेल फैल जाएगा उसका, हम देखिए कितना कारगर बाइट है, कितना शानदार बाइट है, देखिए कितना अच्छा बाइट है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।